अरे सर, ग्रेजुएशन करके आप क्या कर रहे हैं? यू आर चाय बेचेंगे? डिजर्व योरसेल्फ देन यू डिजर्व। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। वन साइड वॉल्यूम। सुन लीजिए, कहाँ सर नौकरी लेंगे? कहाँ से नौकरी? स्टूडेंट है, यहाँ पे सब बेरोजगार हैं। कोई इंटर करके बैठा है, कोई ग्रेजुएशन करके बैठा है, इवन बीटेक एमबीए बीई करके बैठा हुआ है, फिर भी उसे कॉर्पोरेट में जॉब नहीं मिल रहा है। क्यों? लाइक ऑफ योर इंटेलिजेंसी, यू शुड बी फाइट इन द कंपटीशन। किसी को मतलब एम्प्लॉयमेंट मतलब देना चाहता है जॉब, अगर चालू करना चाहता है, उसको मिनिमम ग्रेजुएशन तो करना पड़ेगा। हमारे तब ग्रेजुएशन 5 साल में हो रहा है। आय बेचने के अलावा कोई चारा नहीं है, झाड़ू वाली मेंटालिटी बने रहे। सबसे बड़ी शर्म की बात है जो आप बोल रहे हो, कमेंट कर रहे हो। शर्म की बात है? बोलता है तो शर्म की बात नहीं, हम बोल दिए तो शर्म की बात है। व्हाट आर स्टूडेंट? आई एम एम्प्लॉई। यू आर एम्प्लॉई? यू आर राइट सर। व्हाट यू हैव नॉट फाइंड फ्रॉम द गवर्नमेंट? नो, प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में राइट। आपको क्या क्राइसिस है? बिल्कुल क्राइसिस है। क्या हमारी जो 10 साल पहले सैलरी थी आज वही सैलरी है? तो प्राइवेट में सबकी है कि नहीं? ऐसा थोड़े होता है, मेरे भी प्राइवेट में वैसे ही है। नहीं नहीं, अलग थिंग्स में आप नहीं चल सकते सर। आप अकेले पूरिंग है, आप लोग हैं दुनिया में। अगर ये बोल रहे हैं सबकी बात तो रखा जाएगा, अगर ये बोल रहे हैं फिर इनकी बातों को हम सुन लेते हैं, फिर आपकी बात सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। इसमें जितने लोग हैं स्टूडेंट है, एक बार हाथ उठा दें प्लीज। प्लीज स्टूडेंट, आप लोग स्टूडेंट हैं? आप लोग कितना दिन पहले, अभी आप लोग का एजुकेशन चल रहा है? कैमरा चारों तरफ घुमा दीजिए भाई साहब, ज्यादा सर के आंसर को, मैं क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। अभी इतने स्टूडेंट हैं यहाँ पे, सब बेरोजगार हैं। कोई इंटर करके बैठा है, कोई ग्रेजुएशन करके बैठा है, इवन बीटेक एमबीए बीई करके बैठा हुआ है, फिर भी उसे कॉर्पोरेट में जॉब नहीं मिल रहा है। क्यों? एक ही लाइक ऑफ योर इंटेलिजेंसी, यू शुड बी फाइट इन द कंपटीशन। इफ यू हैव द कैपेसिटी टू डिजर्व, फर्स्ट ट्राई टू मेक योर सेल्फ डिजर्व योर सेल्फ, देन यू डिजायर। डिजर्व योर सेल्फ देन यू डिजायर। ऐसा नहीं होता है। वन साइड वॉल्यूम। सुन लीजिए, कहाँ सर नौकरी लेंगे? कहाँ से नौकरी? आपकी बातों को सब लोग सुना है, इनकी बातों को सुन लीजिए। हम लोग अपग्रेड करेंगे खुद को, लेकिन आप स्वयं संहिता की बात पीछे बोले किसी को। मान लीजिए कोई स्वयं संहिता जो भी शुरू करेगा, छोटा मोटा रोजगार या अपनी जो किसी को मतलब एम्प्लॉयमेंट मतलब देना चाहता है जॉब, अगर चालू करना चाहता है, उसको मिनिमम ग्रेजुएशन तो करना पड़ेगा। हमारे तब ग्रेजुएशन 5 साल में हो रहा है। अरे सर, ग्रेजुएशन करके आप क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन नहीं करें, यू आर चाय बेचेंगे? क्या करें? क्यों शर्म कर रहे हो? बिल्कुल, आपका प्राइम मिनिस्टर झाड़ू लगाता है, आप शर्म क्यों करते हो? आप देखे हैं टाइम ऑफ मोमेंट, जो अभी फिजिकली अभी यहाँ पे जो सिचुएशन है इंडिया में, चाय बेचने के अलावा कोई चारा नहीं है, झाड़ू वाली मेंटालिटी बने रहे। तो बैकअप नहीं, कौन देगा? कॉर्पोरेट सर, बड़ी बड़ी कंपनीज होनी चाहिए। नौ देखिए सर, पिछले सरकार ने जो किया, आई डोंट नो, मैं पिछले सरकार जो सरकार ने किया, प्लीज मैं उस पर भी, मैं उनको भी मैं कहता हूँ, उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है एवरीथिंग एवरी पर्सन को। बट क्या है, जो प्रेजेंट में सरकार है, उन्होंने अभी तक कितने इंडिया में, बिहार में या कहीं भी ऐसे स्टेट में ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी या कॉरपोरेट को स्टेबल किया है, जो युवक हैं, जिनको अंडर ग्रेजुएट है, जो आफ्टर ग्रेजुएट है, उनको नौकरी मिली हो? जवाब दीजिए। एक मिनट, फोन लीजिए भैया, बोलिए, जवाब दीजिए। नहीं है, जवाब दीजिए, बोलिए। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है जो आप बोल रहे हो, कमेंट कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती। सर क्यों शर्म की बात? हमारा बोलता है तो शर्म की बात नहीं, हम बोल दिए तो शर्म की बात है। नहीं, बोलने के टोन में फर्क पड़ता है, बोलने का तरीका अलग है। चाय बेच लीजिए, पकौड़ी बेच रहे, क्यों नहीं बेचिएगा भाई आप? क्यों बेचेंगे? तो फिर पढ़ के ये जो नौजवान है, पढ़ के पकौड़ी बेचेंगे? आप दूर कर दो तो अभी, चिल्लाइए मत। हाँ सर, मैं जो बात कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। आप जो नहीं, आप, अब हमारे पास टाइम नहीं है। एक मिनट मैं देख लीजिए। हाँ नहीं, उसको जाकर मनन कीजिएगा आप घर पे। आपके यहाँ जो कंपटीशन आप दे रहे हो आफ्टर एजुकेशन, जिस कंपटीशन में भी जा रहे हो, रेलवे में, बैंकिंग में, वहाँ एक लाख सब लोग सारे नेता को सुनते हैं, सारे एनालिसिस को सुनते हैं, क्या क्या चल रहा है। हमारे तरफ बिहार में 39 एमपीज है, उधर गुजरात में 26 है, उधर फैक्ट्री पर फैक्ट्री लगाई जा रही है, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा।
अब बताओ प्रधानमंत्री साहब वहाँ पे आए नहीं है, बाकी गुजरात में देखिए बुलेट ट्रेन चालू हो रहा है, ये सब देश पे ही आएगा ना, ये खर्चा कहाँ जा रहा है, पूरा देश उधर दरभंगा में वो एम्स का अनाउंस कर दिया, वहाँ जमीन खाली पड़ गई, प्रधानमंत्री बोल दिया तो एम्स बन गया है। अभी पैसेंजर ट्रेन पूरी मात्रा में नहीं मिल पा रही है और बुलेट ट्रेन मेट्रो ट्रेन फास्ट ट्रेन चालू हो रहा है। अभी इसका एक ही चीज निदान है, आप अपनी परेशानी को परेशानी की समस्या को खुद फेस करो ना, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, बिल्कुल हम जिम्मेवार है, चूंकि हमारे पास इसका पावर है लेकिन इसका यूज नहीं करते हैं हम लोग। मतलब अभी का जमाना क्या है कि अगर एक पतंग में 1000 का नोट बांध दीजिए और पतंग को उड़ा दीजिए तो जितना दूर पतंग जाएगा लोग दौड़ेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि 2 घंटा दौड़ेंगे तो 2 घंटा बैठ के हम अपना 1000 रुपया कमा लेंगे, बस ये अभी सिचुएशन चल रहा है, सब लोग सोच रहे हैं। बिल्कुल भैया बिल्कुल बात सही बोल रहे हैं, इसलिए वोट अपने हिसाब से देखिए क्या बेस्ट है, बेस्ट देखिए और उसके हिसाब से वोट करिए, ये सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने देखे बेस्ट बेस्ट ऑप्शन देखे, नेता बेस्ट चुने, पढ़े लिखे नेता चुने। अच्छा बिहार में सबसे अच्छे नेता किसे मानते हैं, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार? ये पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे अभी, लेकिन मेरा ये ऐसा थिंकिंग है, हो सकता है परसेप्शन मेरा गलत भी हो, लेकिन सरकार चेंज करना पड़ेगा।